तो जन्मभूमि में राम नवमी, जी हाँ, इस विशेष कवरेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा। थोड़ी देर में अयोध्या में रामलला का सूर्य तिलक होना है। बड़ी खबर आपको बता दें, दोपहर 12:16 पर सूर्य तिलक का शुभ मुहूर्त है। 4 मिनट तक होगा रामलला का सूर्य तिलक। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में ये पहली राम नवमी है। ऐसे में जो उत्साह है साफ तौर पर वो देखा जा सकता है। अयोध्या को एक बार फिर से बहुत खूबसूरती से सजाया गया है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और आज का दिन उन तमाम लोगों के लिए बहुत खास है जो कि अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने पहुंचे हैं। राम नवमी का ये मौका, जिस दौरान आज रामलला का सूर्य तिलक होना है, दोपहर 12:16 का वो शुभ मुहूर्त है जब 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक होगा। सुबह 3:30 से पूजा अर्चना का जो दौर है वो जारी है। रात 11 तक आज जो दर्शनाभिलाषी हैं वो दर्शन कर सकेंगे रामलला के। ऐसे में अयोध्या में लाखों की तादाद में लोग जुटे हुए हैं प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं रामलला के सूर्य तिलक की। ये सीधी तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये बेहद खास तस्वीरें। तो शुभ मुहूर्त का समय दिया गया था, लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर रामलला का रामनवमी के शुभ अवसर पर सूर्य तिलक हो रहा है। बेहद खास हो जाता है स्वामी दीपांकर, ये मैं अद्भुत समझ रहा हूं। और मैं समझ रहा हूं कि हम उन खुश खास चंद लोगों में से हैं जो देश के राजा को टाट से ठाट में और उसके ऊपर सूर्य का, सत्य का, सनातन का चमकता हुआ ऐसा प्रतिबिंब देख रहा हूं। शायद मेरे लिए यह अकल्पनीय है और करोड़ों अरबों लोगों के लिए अकल्पनीय है, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश में हो। निसंदेह जब बात सत्य की होगी तो सनातन की होगी, सनातन की होगी तो सूर्य की होगी, और सूर्य की होगी तो सूर्यवंशी की भी होगी। तो यही वो लीला, और मैं समझता हूं कि ये विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत चमत्कार है। ये अद्भुत चमत्कार है प्रतिमा। शायद मुझे लगता है कि जिन लोगों की आंखें देख नहीं पाई थी पूर्व में, आज वो ये सब देख रही हैं। इससे ज्यादा ऐतिहासिक, इससे ज्यादा आध्यात्मिक, इससे ज्यादा सांस्कारिक और इससे ज्यादा वैज्ञानिक इस भारत में कोई घटना नहीं हो सकती। और बिल्कुल इसीलिए स्वामी दीपांकर हम इसे कह रहे हैं कि अयोध्या में अध्यात्म और विज्ञान का जो अद्भुत संगम है उसकी तस्वीरें इस वक्त हम TV9 पर अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं। प्रोफेसर रामराज, जो तस्वीरें अयोध्या से सामने आ रही है, अपने आप में अद्भुत ये तस्वीरें। प्रोफेसर रामराज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, यह एक ऐसा अद्भुत दृश्य है जिस दृश्य को देख करके हर व्यक्ति अपने को कृतकृत्य मान रहा, क्योंकि यह जो दर्शन है, इस दर्शन की बात हमारे वेद शास्त्र पुराण करते आए हैं, लेकिन विज्ञान आज उसको प्रत्यक्ष रूप से दिखा रहा है। मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूँ, यहाँ पर आरती जो है वो हमें एक बार सुन लेनी चाहिए। आरती हो रही है। रामराज, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। यह जो दृश्य है, उस दृश्य की बात चल रही थी। यह जो दृश्य है वह जीवन को सार्थक करने वाला दृश्य है, और इस दृश्य की बात वेदों, पुराणों, शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन हमें आश्चर्य तब होता है
जब हम उन बातों को अपनी आत्मा में उतार नहीं पाते हैं, आत्म साक्षात नहीं कर पाते, तो आज विज्ञान के माध्यम से यह स्पष्ट हो रहा है कि किस प्रकार से भगवान श्री राम के अवतार के समय जैसा वर्णन वहां पर आता है कि समस्त ऋषिगण देवगण सभी वहां इकट्ठे होते हैं, वहां ऐसा दृश्य उपस्थित होता है जब भगवान श्री राम का अवतार होता है, तो लिखते हैं कि सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। गोस्वामी जी इसकी चर्चा करते हैं, कहते हैं कि केवल एक देवता की बात नहीं है, सुर समूह, सूर्य एक देवता है, लेकिन वहां पर वो जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं सुर समूह, यानी सुरों का, देवताओं का जो समूह है, वह भगवान के इस विग्रह का दर्शन करने के लिए, भगवान के स्वरूप का दर्शन करने के लिए वहां विनती कर रहा है। और भगवान सूर्य की जहां तक बात है तो सूर्य तो वहां रुक ही जाते और कहते हैं अब मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, मैं यहां रुक करके भगवान के साक्षात विग्रह का दर्शन करूं। और यही बात सुखदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत महापुराण में सुनाते हैं कि खड्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघुस्त समात प्रतुस्रवा अजस्ततो महाराजस तस्मात दशरथो भवत तस्यापि भगवान नेस साक्षात ब्रह्म मयो हरि। भगवान श्री राम क्या है, कहा साक्षात भगवान ब्रह्ममयो हरि, ब्रह्ममय हरि भगवान विष्णु है, स्वयं ब्रह्म है। और जब ब्रह्म का अवतार होता है, ब्रह्म का जब विग्रह स्वरूप उपस्थित होता है, तो उस लोक के लिए पावन करने वाला हो जाता है, कल्याण करने वाला हो जाता है जी। तच्छुर देवहितम पुरस्ता, कहते हैं कि वहां पर सभी लोगों का कल्याण और मंगल। तो आज जिस विग्रह स्वरूप का दर्शन विज्ञान के माध्यम से समस्त भक्तजन कर रहे हैं, समस्त लोग कर रहे हैं, उसकी अनुभूति तो शास्त्रों और पुराणों में देखिए सूर्य की किरणों से कैसे प्रभु का अभिनंदन हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा ही रहे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता भी हमारे साथ बने हुए हैं, पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुशकिस्मत है क्योंकि वो आज अयोध्या में ही मौजूद है और चाह रहे थे, कोशिश तो उनकी यही थी कि वो भी इन तस्वीरों को सीधे अपनी आंखों में कैद कर सके। क्या चल रहा है इस वक्त वहाँ? जी हाँ बिल्कुल, और यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। जिस तरीके से घड़े घंट की आवाज आ रही है और आप जय जय श्री राम के और भगवान रामलला की जय के नारे सुन रहे हैं, भक्तों की भीड़ का रेला अभी वहाँ पहुंचा है और अंदर से आवाज आ रही है, जो जानकारी दी जा रही है कि चूंकि वहाँ पर अंधेरा करना है इसीलिए धूप अगरबत्ती का धुआं जला करके अंधेरा किया गया है। भक्त वहाँ पहुँच रहे हैं सूर्य तिलक देखने के लिए और ये अद्भुत क्षण है और इसीलिए बहुत हजारों लोग आए हैं सिर्फ रामनवमी में आज के दिन सूर्य तिलक को देखने के लिए। और वाकई में जहाँ जहाँ शहर भर में LED और साउंड सिस्टम लगे हुए हैं वहाँ से नारे और आवाज़ गूंज रही है वहाँ पर, और कहा गया कि धुआं बढ़ रहा है अगरबत्ती का, इस लिहाज से घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सूर्य तिलक के वक्त वैसा ही माहौल बनाया जाता है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसी घोषणा की जा रही है चंपत राय के हवाले से, ट्रस्ट के हवाले से। तो देखिए ये तस्वीरें अब तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं स्टूडियो में, बेहद खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए स्वामी दीपांकर। ये तस्वीरें देखते हुए हम सबको मतलब जो इस वक्त एहसास हो रहा है, जो अनुभूति हो रही है, वो अपने आप में बहुत खास हो जाती है। और वहाँ बहुत सारे श्रद्धालु आज पहुँचे हुए हैं प्रभु श्री राम के इस दिव्य रूप के दर्शन करने के लिए। सूर्यवंशी प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हो रहा है। दो चीज़ है इसमें प्रतिमा जी, पहला कि जब चर्चा राम की होती है तो निसंदेह मर्यादा की होती है, और आज पहली बार मैंने अब तक शायद आध्यात्म और विज्ञान को टीवी पर झगड़ते देखा, मगर पहली बार कई लेंस के जरिए सूर्य की किरणें प्रभु राम के मस्तिष्क तक, यह अपने आप में हैरत वाला है। मगर मैं एक शब्द मेरे याद आ रहा था जब आप अभी चर्चा कर रही थी, एक शब्द था कि जब राम का जन्म हुआ तो पहला वाक्य था
के भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। तो ये जो रूप है ये अद्भुत है, दिव्य है, ऐसा रूप देखने को मिलता नहीं। और निसंदेह आज अगर चर्चा समाज में हो रही है तो निसंदेह चर्चा सूर्य की भी है और गोरखपुर में पूजा करने वाले सूर्यवंशी की भी है। तो ये अपने आप में अद्भुतता का मैं कहता हूं कि परिचायक भी है और ये परमात्मा की कृपा भी है कि हजारों लाखों करोड़ों आंखें बिना देखे इस अद्भुत दृश्य को, इस धरा से विदा हो गई। मगर आज जो देख रही हैं निसंदेह वो अपने आप में, अभी पंकज भाई वहां से बता रहे थे, जो लोग वहां पर हैं वो अपने आप को जीवन में भाग्य सबसे ज्यादा भाग्यशाली समझ रहे हैं कि हम लोग प्रभु राम के चरणों में हैं। बिल्कुल। मैं आज तक प्रतिमा जी जब तक अयोध्या गया या जब जब अयोध्या गया टाट में देखकर सिर्फ आंख से आंसू निकले, आज खुशी में भावुक हूं। बिल्कुल, टाट से ठाट में आ गए रामलला। और एक बार फिर से आपको वही लिए चलते हैं, तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पंकज झा हमारे साथ लगातार अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पंकज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आज के दिन बधाई संदेश देते हुए, रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए जो पोस्ट लिखा वो भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी तरफ से पंकज जी ये बात लिखी गई है कि आज के दिन रामनवमी का ये जो अवसर है उन असंख्य राम भक्तों और संत महात्माओं को स्मरण और नमन करने का भी है जिन्होंने अपना पूरा जीवन राम मंदिर के निर्माण के लिए समर्पित कर दिया। इसमें भी एक बड़ा संदेश छिपा है पंकज जी। पंकज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी, आप कुछ कह रही थी। जी मैं ये बोल रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज के शुभ अवसर पर देशवासियों को बधाई दी गई, शुभकामना देते हुए उन्होंने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी वो मैसेज भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया आज उन्हें भी याद करने का दिन है। बिल्कुल बिल्कुल, और सही कहा। मैं इस अयोध्या में आज से नहीं पिछले कई दशकों से आता रहा हूँ, लेकिन इस अयोध्या के बारे में तमाम तरह की किंवदंतियाँ थी। कहा जा रहा था कि सीता माँ ने श्रापित कर दिया, लेकिन आज सब आप यकीन मानिए, मैं उस क्षण को जो मैं अभी कुछ देर पहले जो सूर्य तिलक को लेकर घड़ी घंट और आरती की जो आवाज़ें आ रही थी वो अद्भुत आ रही थी। और मैं यहाँ कुछ लोगों से बात करना चाहूँगा कि आप कहाँ से आना हुआ आपका? हमारा असम से। असम से कभी सोचे थे ऐसा अयोध्या होगा, ऐसा राम मंदिर होगा? कभी नहीं सोचे थे, कभी नहीं सोचे थे। आज हमें अयोध्या में आके स्वर्ग जैसा फील हो रहा है। दर्शन हो गए रामलला के? नहीं, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। सूर्य तिलक के बारे में सुना है आपने? सूर्य तिलक के बारे में अभी सुना हमने। तो आप जा नहीं रहे अंदर सूर्य तिलक के लिए? जा ही रहे हैं। जा रहे हैं, आप भी असम से इनके साथ आना हुआ? जी। तो सिर्फ रामनवमी के लिए आए आप? जी। इससे पहले कभी अयोध्या आना हुआ था? नहीं आया था। नहीं आया था जी। क्या है अयोध्या, क्या कह रहे हैं प्रभु राम? प्रभु राम तो हमको स्वागत कर रहा है, अभी दर्शन के लिए हम पागलपन की मूड से अभी आया है, अभी दर्शन करने जा रहे हैं। प्रेम और अनुभूति और आस्था और विश्वास, भगवान राम की भक्ति, उस भक्ति में शक्ति और राम की मर्यादा, वाकई में
मतलब ऐसा अयोध्या में कम क्षण होता है, मैं वो यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। और चूंकि सालों से इस अयोध्या नगरी को देखता आ रहा हूँ, और जो लोग जिस श्रद्धा भाव से आ रहे हैं, मैं जिस रास्ते पे हूँ, अभी देखिए आपको कई लोग नंगे पाँव मिलेंगे इस कड़ी धूप में। यहाँ तो कारपेट बिछा है, सरयू से स्नान करके लोग निकलते हैं और नंगे पाँव जा रहे हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। यही तो आस्था है, यही भक्ति है। और इसी भक्ति भाव से सवेरे से 2 बजे 2:30 बजे रात से लोगों का मेला लगा हुआ है रामलला की एक झलक देख लेने के लिए। और उनमें से कईयों की चाहत यही है, इच्छा यही है कि बस उस पल को देख ले, उसके साक्षी बन जाए जब सूर्य की किरणें भगवान रामलला के ललाट पर पड़े। जी स्वामी दीपांकर जी, जिस बात की मैं चर्चा कर रही थी कि ये तस्वीरें अपने आप में अद्भुत तो है ही, लेकिन आज का दिन इसलिए भी बेहद खास हो जाता है कि इससे पहले जब रामनवमी मनाई जाती थी तो प्रभु रामलला इस भव्य मंदिर में विराजमान नहीं थे। और इस मंदिर के निर्माण से पहले का जो संघर्ष है उसे भी प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने पोस्ट के जरिए उसका जिक्र किया, उन संत महात्माओं को और उन तमाम लोगों को याद करने का दिन भी इसे बताया जिन्होंने राम मंदिर निर्माण में अहम भूमिका निभाई। प्रतिमा जी, मैं हाथ जोड़कर परमात्मा से, प्रभु राम से ही उन सब के लिए प्रार्थना करता हूं कि वो आज जहां पर भी हैं वहीं से प्रभु राम की कृपा पात्र होंगे। और मुझे प्रसन्नता और गर्व और खुशी होती है, उसमें ही एक मेरे गुरुदेव भी थे जिनका नाम स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती था, वो भी अयोध्या राम मंदिर आंदोलन के लिए समर्पित रहे। बस मेरा प्रार्थना मात्र इतना है कि ये सफ़र बहुत लंबा तय हुआ है, 500 साल बहुत होता है, और उसके पश्चात आज समाज जो देख रहा है, संसार जो देख रहा है, देश ही नहीं विदेश में बैठकर, निसंदेह सबके लिए गौरवान्वित होने का दिन है। हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं जिसमें मर्यादा थी, हम उस राम की चर्चा कर रहे हैं जिसके कनक भवन में आज भी लोग अपनी चिट्ठियां लिखकर भेजते हैं और कहा यह जाता है कि वो चिट्ठियां प्रभु राम के सामने रखी जाती हैं। इस देश की आत्मा का स्पंदन है राम, प्रतिमा जी। और निसंदेह जब भी राम के समक्ष खड़े होते हैं जाकर के, जिस समय प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, निसंदेह हम लोग अभी आपसे पहले कह रहे थे ना कि पहले टेंट में देखते थे तो आंख से आंसू होते थे, आज खुशी इतनी है कि भावुकता में आंख से भावुकता प्रवाहित हो रही है। तो ये अपने आप में हृदय को छूने वाला, और राम भक्तों के लिए निसंदेह जिन्होंने अपनों को आहूत कर दिया, स्वयं को आहूत कर दिया, निसंदेह आज उन्हें भी याद नहीं किया जाना चाहिए। पूरे देश में आज रामोत्सव, जन्मोत्सव, प्रकटोत्सव दिल से हृदय से मनना चाहिए। सही मायने में यह भारत का त्योहार है। और दुर्भाग्य इस देश का यह है कि जहां एक पर्व के लिए 2 दिन की छुट्टी होती है और राम की नवमी के लिए अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। देखिए इस बीच लेकिन विशेष श्रृंगार, जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक, सूर्य तिलक की तमाम तस्वीरें टीवी 9 भारतवर्ष तो आप तक पहुंचा ही रहा है, लेकिन असम के नलबाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी ने रामलला के सूर्य तिलक को लेकर क्या कहा है ये भी सुनिए जरा। आज रामनवमी का ऐतिहासिक अवसर भी है, 500 वर्षों के इंतजार के बाद आखिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। और अभी कुछ ही मिनटों के बाद प्रभु राम को सूर्य तिलक करके उनका जन्मोत्सव अयोध्या की पवित्र नगरी में राम मंदिर में मनाया जाएगा। आज देश सदियों की साधना की, पीढ़ियों के बलिदान की सिद्धि को सेलिब्रेट कर रहा है। तो प्रधानमंत्री मोदी असम के नलबाड़ी में मौजूद थे जहां पर उन्होंने आज राम नवमी को लेकर ना केवल बधाई दी तमाम लोगों को बल्कि ये तमाम बातें भी उनकी तरफ से कही गई, जहां पर सदियों की जो इसको लेकर संघर्ष किया गया उसका जिक्र भी किया गया, राम मंदिर निर्माण से पहले जिन लोगों ने इसको लेकर बलिदान दिए हैं उनको भी याद किया। और सूर्य तिलक की तस्वीरें इस बीच आपको हम लगातार दिखा ही रहे हैं और लगातार हमारे साथ मौजूद खास मेहमानों से भी हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें बेहद खास है, राम मंदिर अयोध्या
अयोध्या से सीधी तस्वीर आ रही है जहां पर प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है, ये हमने आपको बताया ही है। और इस बीच पंकज झा का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पंकज झा, अब क्या एग्जैक्ट वो समय पता चल पाएगा कितने बजे ये सूर्य तिलक ठीक शुरू हुआ है, क्योंकि 4 मिनट का ये विंडो बताया जा रहा था जब प्रभु श्री राम के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी और उनका ये सूर्य तिलक होगा। देखिए, हमें जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से जो बताया गया था, जो समय बताई गई थी वो 12:16 पर था, और उससे पहले कहा गया था कि करीब 12 बजे के आसपास ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसमें जिस तरीके से रिफ्लेक्टर, मिरर और लेंस और ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है, तीसरी मंजिल से लेकर रामलला के ललाट तक वो सूर्य की किरणें, जिसको हम लोग सूर्य तिलक कह रहे हैं, वो कहा गया था कि ठीक 12:16 पर होगा, ये 4 से 5 मिनट तक का होगा ये सूर्य तिलक, ये हमें जानकारी दी गई थी। और उसके लिए बाकायदा ट्रायल भी हुआ था, वो ट्रायल सक्सेसफुल रहा था। NBRI की पूरी टीम है, ट्रस्ट के सदस्य गर्भगृह के अंदर, मंदिर के अंदर मौजूद हैं, और भीड़ भी बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, तो तस्वीरों के जरिए आप लगातार बता रहे हैं किस तरीके से अयोध्या में जो दर्शन करने पहुंचे तमाम श्रद्धालु हैं उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है आज के दिन को लेकर। प्रोफेसर रामराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। प्रोफेसर रामराज, रामनवमी की खासतौर पर, विशेष तौर पर अगर बात की जाए तो पूजा का विधि विधान क्या है, जरा दर्शकों को ये भी बताइए। पूजन का जो विधि है, पूजन की विधि में यहाँ भगवान के 1650 पूजन का जो विधान है, क्योंकि विधान कई प्रकार के हैं, जिसमें 1650 पूजन का जो विधान है वह प्रमुख है। और आज भगवान का जो पूजन विधान किया जा रहा है 1650 विधि के अंतर्गत, हम देख रहे हैं कि स्नान की महान प्रक्रिया संपन्न हो रही है। इसमें दुग्धाभिषेक है, जलाभिषेक है, घृताभिषेक है, मधु से अभिषेक है, दधि से अभिषेक है, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से भगवान को स्नान कराया जा रहा है। तो स्नान की प्रक्रिया के बाद विविध प्रकार के उपचार भगवान को वेद मंत्रों के उच्चारण सहित अर्पित किए जा रहे हैं। उन सभी वस्तुओं को समर्पित करने का जो भाव है या उसका जो आशय है, वह शास्त्रों में अत्यंत गंभीर रूप से बताया गया है। और एक एक वस्तुओं के समर्पण से अनंत फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि पुण्यदा पुण्यमाप्नोति सतसो सहस्त्रशः। कोई भी वस्तु जब हम भगवान के ऊपर समर्पित करते हैं, मैं आपको तो माफी के साथ रोक रही हूँ, मैं आपका दोबारा रोक करूंगी। पंकज झा इस वक्त चुकी अयोध्या में मौजूद है और वो बात कर रहे हैं वहाँ मौजूद लोगों से। जो जन्म उत्सव पे प्रतिमा जो यहाँ पर अवधि में जो गाया जाता है, वही ये गा के सुना रहे थे। और यहाँ पर राम के मंदिर, ये सुनाइए ना क्या अवध गा में गा रहे हैं अवधिया में। राजा दशरथ दशरथ के बेटे राम लला, और अवधि भाषा में इसी तरीके से भजन कीर्तन और ये सब चल रहा है। ये देखिए लोग आ रहे हैं इस तरीके से भक्ति भाव से, सरयू में स्नान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए ये लोग यहाँ पर। देखिए कहाँ से आना हुआ आपका बाबा, कहाँ से आ रहे हैं आप? हिंदी समझ नहीं। अच्छा, हिंदी कहाँ से, मतलब स्टेट बताइए, टेल मी द स्टेट। वेस्ट बंगाल से। कहाँ? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से सब लोग आ रहे हैं। नहीं हुए तो यहाँ पर देखिए कि लोगों की भीड़ धीरे धीरे आ रही है। कुछ लोगों की ये भी शिकायत है कि चूंकि लंबा चलना पड़ रहा है उनको, गाड़ियाँ रोकी गई हैं, व्हीकुलर ट्रैफिक, तो इसीलिए लंबा चलना पड़ रहा है। और रामलला के दर्शन करने के लिए इसी तरीके से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ लगी हुई है। व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए हम देख रहे हैं पंकज जी की, कुल मिलाकर कई सारे रास्तों पर डाइवर्जन किया गया, सिक्योरिटी को चाक चौबंद करने के लिए कुछ जो ऐसे डाइवर्जन किए, उसकी वजह से लोग थोड़ा परेशान जरूर हो रहे हैं, लेकिन जब वो प्रभु श्री राम के दर्शन कर रहे हैं तो सब दुख दर्द उनके दूर हो जा रहे, तमाम शिकायतें उनकी दूर हो जा रही। निधि वासंदानी भी मुझे नजर आ रही है स्क्रीन पर। निधि, आप अपने आसपास क्या देख पा रही हैं, क्योंकि सुबह से ही लोगों का, भक्तों का आने का सिलसिला लगातार जारी था और आप सूर्य तिलक की ये अद्भुत तस्वीरें भी सबके सामने। बिल्कुल ठीक कह रही है प्रतिमा आप, बहुत अद्भुत और अलौकिक नज़ारा इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हम सब देख रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु रहे, यहाँ LED स्क्रीन लगी हुई है, वो भी देख के पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए जब सूर्य तिलक देखा गया। कई लोग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। मैं दरअसल प्रतिमा वीणा चौक पर हूँ, क्योंकि पूरा ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था, तो जहाँ पंकज है वहाँ वो मंदिर परिसर में है, तो आसानी से श्रद्धालुओं से बात कर सकते हैं। यहाँ जो लौट रहे हैं श्रद्धालु, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। कराए आप दर्शन जी? हाँ, सूर्य तिलक हुआ है श्री रामलला का, कैसा लगा?
बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। देखा आपने? देखा। आप बताइए। बहुत अच्छा लगा। हा? देखा देखा पहली दफा देखा ऐसा? नहीं, दूसरी बार दफा देखा। इससे पहले कहाँ देखा था? नहीं, यहीं पर देखा था, आज पहली बार इस तरह देखा। नहीं, सूर्य तिलक के बारे में मैं पूछ रही हूँ। आज यहाँ पहली बार देखा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक अलग नजारा यहाँ पर अयोध्या में देखने आज मिला। कुछ और लोग भी हैं, उनके पास चलते हैं। दर्शन कर लिए आपने? नहीं, अभी नहाए हैं, अभी नहाने के बाद अभी दर्शन करने जा रहे। सूर्य तिलक हुआ, तस्वीरें देखी सूर्य तिलक की? नहीं, अभी नहीं देखे। सूर्य तिलक ही नहीं देखी, लेकिन ये प्रतिमा बहुत अद्भुत नजारा है। कुछ लोगों ने देखा, कुछ लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ लोगों ने टीवी पे देखा, लेकिन ये मैकेनिज्म ऐसा था जो हर रामनवमी पर देखने को मिलेगा। ये सूर्य तिलक जो एक बीम की तरह सूर्य तिलक लगाया गया श्री रामलला के, और ये एक बहुत अद्भुत नज़ारा था। सबसे बड़ी बात ये कि श्रद्धालुओं के आने का तांता लगा हुआ है, हजारों लाखों की तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सुबह 6 बजे तक का, मैंने सुबह 8 बजे तक का आंकड़ा भी आपको बताया था, 6 लाख से ज़्यादा लोग अब तक पहुंच चुके हैं अयोध्या, और पूरे दिन ये सिलसिला चलेगा। 20 घंटे दर्शन हो पाएंगे भगवान श्री राम के, और ये अद्भुत नज़ारा देखने के बाद लोग और आतुर हैं और एक्साइटेड हैं, खास करके युवा एक्साइटेड हैं, क्योंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला मौका है रामनवमी का। 5 शताब्दी बाद ऐसा पहला मौका आ रहा है जब राम जन्मभूमि, जो जन्म स्थान है भगवान श्री राम का, वहाँ पर शानो शौकत के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं। हाँ जी अम्मा, दर्शन कर लिए? हाँ भैया, दर्शन हो गए? हाँ, ठीक लगा, अच्छा लगा, आशीर्वाद मिला? हाँ, आशीर्वाद। अच्छा, आपने दर्शन कर लिए? हाँ, दर्शन कर लिए। कहाँ से आए? भैरवा से। भैरवा, भैरवा से आए हैं। और कैसा लगा अंदर जाके? भीड़ थी बहुत, बहुत भीड़ रही, बहुत भीड़ थी। भीड़ पर आराम से हो पा रहे हैं दर्शन? हाँ, दर्शन कर लेना आराम से। तो ये बताता है कि यहाँ पर व्यवस्था। आप लोग कहाँ से आई हैं? गोंडा से। गोंडा से दर्शन हो गए? हाँ, हो गए। कुछ बता दीजिए, कुछ गा दीजिए। शर्मा रही हैं? गा रही हूं। कुछ गा दीजिए। श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जो है वहां पर पहुंच रही है, तांता लगा हुआ है भक्तों का कि वो रामलला के दर्शन आज के दिन कर पाए, क्योंकि आज का दिन है ही इतना खास, रामनवमी जो दिया गया था बाबर के द्वारा। उसको जब हमने यहाँ से मटिया मेट किया, उसकी एक भी कण को यहाँ अयोध्या में नहीं छोड़ा था, जो भी चूना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस वक्त आए थे यहाँ? जी जी। और अब आ रहे हैं? मेरी उम्र 27 साल थी, आज मेरी उम्र 60 वर्ष है, 33 साल वर्ष पूर्व की बात है ये, पर आज मैं मोदी जी को इस सनातन धर्म के बेड़े को इस तरीके से भारत वर्ष में जागृत करने। आपने दो बार, आपने दूसरी बार आप भी दर्शन करने जा रहे हैं? जी, आप लोगों के दर्शन हो गया फिर दोबारा? कल हमने भव्य दर्शन किए थे, इसने तो दर्शन किए कि पूरे हिंदुस्तान जाए, लेकिन जो कल यहाँ पे दर्शन मिले वो प्रभु राम के, वो अभिभूत थे, वो कहीं नहीं मिले पूरे हिंदुस्तान में, कहीं मिले शायद ही किसी को। आप अभी कुछ कौन गा रहा था? अभी कुछ, अभी कोई गा रहा था? क्या गा रही थी? राम आएंगे आएंगे, राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के बाग आज खुले जाएंगे, राम आएंगे, वो राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। राम आ गए, चलिए दर्शन किया जाए। रामानंद है, रामानंद है, सर्वानंद है, परमानंद है, जी जय। चलिए, तो ये जयपुर से राम भक्तों की टोली और यहाँ से बढ़ी है मंदिर की तरफ, और सबसे अद्भुत बात है ये एक बार दर्शन कर चुके थे कल, और आज रामनवमी चूँकि शुभ दिन था तो कहे कि आज फिर दोबारा दर्शन करने जाऊँगा, मन नहीं भरा तो फिर एक बार दर्शन करने जाऊँगा। यही तो आस्था है, यही आस्था की भक्ति है, और उस भक्ति की शक्ति है कि लोग एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार दर्शन करने को रामलला को चले जा रहे हैं। यहाँ पर स्वामी दीपांकर भी मौजूद है, पंकज जी, और उनकी तरफ से जो एक बात कही गई है वो मेरे कानों में बार बार गूंज रही है कि अब तक हमने विज्ञान और आध्यात्म धर्म की हमेशा लड़ाई ही देखी है, लेकिन आज इन दोनों का ही अद्भुत संगम है जिसकी वजह से ये अद्भुत तस्वीरें हम सबके सामने। बिल्कुल, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपांकर जी कि कई मौके ऐसे आए जब आस्था और विज्ञान की बहस हुई, दोनों एक दूसरे के खिलाफ नजर आए, लेकिन आज रामलला ने अपने दरबार में दोनों को एक कर दिया है। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं जी। दीपांकर जी, मैं समझता हूँ कि पंकज भाई ने एकदम वाजिब बात कही, और ये पर्व, ये आज का ये दिन, मैं समझता हूँ कि भारत के स्वाभिमान को और श्रेष्ठ करेगा, भारत के स्वाभिमान को और बढ़ाएगा, और मैं समझता हूँ कि लोगों की प्रभु राम के प्रति
अभी आप बता रहे थे कि 6 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उन लोगों के लिए बड़ी चर्चा है जो एक अफवाह फैलाकर कह रहे थे अब रामलला के दर्शन लोग करने कम जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का दिव्य अद्भुत, और मैं समझता हूं कि ये अयोध्या नए कलेवर में है, नए जेवर में है और नए तेवर में है। ये अपने आप में दिव्य, भव्य और नव्य है। मैं पहले भी कह रहा था प्रतिमा जी, ये भारत की आत्मा का स्पंदन है राम। अगर राम को समझेंगे तो निसंदेह राम भक्तों के भाव भी समझ पाएंगे, और अगर जो नहीं समझ पाते तो शायद हमें लगता है बहुत सी जगह त्रुटियां हो जाती हैं। सोचिए कि इसी देश में भारत के करोड़ों लोगों ने यह भी सुना कि क्या कमरा नंबर था, और आज भारत में भगवान राम का दिव्य महल भी देख रहे हैं। तो मैं समझता हूं यही, मुझे आज एक शब्द याद आता है कि जब बात महल की हुई तो चर्चा होती थी कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, तो निसंदेह आज वो बात सारगर्भित हो रही है जब राम अपने भव्य भवन में चल भी रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं और करोड़ों भक्तों को मार्गदर्शित भी कर रहे हैं। बहुत खूब। इस बीच देखिए सूर्य तिलक पर प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री मोदी ने पोस्ट किया है और लिखा है कि दिव्य भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली राम नवमी है जिसमें प्रभु श्री राम के सूर्य तिलक का अलौकिक अवसर भी आया। दुनिया भर के राम भक्तों से मेरा आग्रह है कि वे इस अद्भुत क्षण का साक्षी जरूर बने। तो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर यह पोस्ट लिखी गई। रामराज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने पहले तो बधाई संदेश दिया, अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है दुनिया भर के राम भक्तों से कि आप इस पल के साक्षी जरूर बने, और ये तस्वीरें हम सबके सामने तो है ही। निश्चित प्रधानमंत्री जी का जो यह ट्वीट है वह हमारे समस्त भक्त जनों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है, और यह जो दिव्य अवसर उपलब्ध हुआ है, वास्तव में इस अवसर की प्रतीक्षा न जाने पीढ़ियों से हो रही थी, जो आज साक्षात हो रही है। ये प्राण प्रतिष्ठा के बाद की जो यह पहली रामनवमी है, यह रामनवमी अध्यात्म और विज्ञान को एक करते हुए साक्षात रूप से लोगों को दिखा रही है, और यह जो अवसर है यह अवसर अद्भुत है, और इस अवसर पर 6 लाख आप कह रही हैं, यह संख्या आगे और बढ़ने वाली है, क्योंकि जब भगवान श्री राम का अवतरण हुआ था तो समस्त देव, समस्त ब्रह्मांड के समस्त गण दर्शन करने के लिए वहां उपस्थित होते हैं। और वहां एक कथा भी आती है कि जो प्रथम ऋषि हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, वह भी भगवान श्री राम का दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, और जब पहुंचते हैं तो वहां पर भगवान श्री राम कहते हैं कि मैं कुछ क्षण के लिए स्वयं बाहर जाकर के दर्शन दूंगा, और वो महल से बाहर निकलकर उन लोगों को दर्शन देते हैं, क्योंकि संत और भगवंत के बीच जो द्वारपाल का निषेध है वह एक पौराणिक कथा पहले की आती है, तो उसकी ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि यह नहीं होना चाहिए। तो साक्षात दर्शन की जो प्रक्रिया है वह प्रक्रिया निरंतर हम लोगों को देखने को मिल रही है, और यहाँ पर असंख्य श्रद्धालु जन दर्शन कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से जी, जो मूर्ति का दर्शन है, विग्रह का जो दर्शन है, वह व्यक्ति के दोषों को दूर करता है। लोग कहते हैं कि केवल दर्शन करने से क्या होगा जी, लेकिन जिनका दर्शन, तस्वीरें महाराज जी लगातार हमने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक हुआ है राम नवमी के शुभ अवसर पर।